बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले सारे दोस्त अहबाब की बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जिन्हें कल ईद की जिन्हें अज ईद की साड़ी खुशबख्ती है, और बिलखसूस माड़ी खुशबख्ती है कि इसलिए मैं एक ऐसी अजीम शख्सियत नाल बैठा हुआ, और ये जो माड़े अल्फाज है कोई मुबालगा राय नहीं कि मैं ज़हीर अब्बास चौधरी इस बंदे ने मैं बहुत इज्जत करना है कि वो वायद इसलिए जी इस लाट विच एको शख्सियत थी कि जिन्हें हर जगह कोटली नी आवाज़ बुलंद की, लोगों ने कुबनी आवाज़ बुलंद की। और जी सब तो बड़ी गल इन्होंने मैं जी इज्जत करना है, मैं अक्सर लोग पूछने वो यही है कि ये वो बंदे के जेडे माड़े वालिद साहब ने एक लायल साथी रहे, उन्होंने नाल टुरे मारा तक खादिया ने सुन पता है सारी उत्थान सियासत ही। ये यूके आए तो मैं इस भाई की टाइम भी ना दे सकया, मैं उसने भी माजत करना है, मसरूफियत ही बिजी लाइफ ही। तो अज इतनी असानी इस गुफ्तगू ने दौरान गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी तशरीफ लाए, ये भी सियासी समाजी रहनुमाए, मैं इन्हें की वेलकम आना है। और माड़े सरनामी बड़े भाई अदनान डार साहब भी बैठे हुए, क्यूम साहब फिल्म क्यूम साहब कैमरामैन ने फ्राइज सर अंजाम दे रहे। तो भाई जान कोई भैड़ी पहाड़ी जबान विच ना कोई सोहना जहा मैसेज दो लोग संगी सुनना चाहे, जिथे ने बनेगी तो उथे ने बनेगी। पहाड़ी शहर से मैं बड़े अच्छे बाद मलगला मोहिउद्दीन साहब माड़े भाई बड़े असन बहुत इज्जत कर रहे चुके जो कॉलेज सड़े सिंगर सन तो इन्होंने एक नजर करा एक नजर के बूह त्रुटियां मैदान सा तो फिर भी तोखे रजी खासा, बूह त्रुटियां मैदान आसा तो फिर भी तोखे रजी खासा, अगे पिछे ठोली ठोलन क्या मैं लिखसा क्या मैं बासा, रेतू ने दरिया विच बेड़ी तो खबरें केड़े दंदे जासा, शर्तां कोल करार तुहाड़े ते शोका रिजा नाल लबासा, उस वेले टोका चलसी सिर अपना जिस वेले चासा। ए ए पैगाम है माशाल्लाह जी। जैसा तो सब आज भी सच्ची बात है कि मियो वक्त याद है 1980 तो बाद है मगर कल भी साहब अल्लाह ताला उसकी जन्नत नसीब करे। अता मेरे कार के साहब बड़े लोग तो सा बड़े अजीम लोग से है ना, जिन्हें कोटली नहीं अलखातम साहब बुजुर्ग असन है ना शोर दिता है। और बदनसीबी की बात है कि मेरी मिर्जा खालिद आज भी याद है जरा आवाम ने हकूक लड़ना लड़ना मर गया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अस ऐसे माशरे रहने इस माशरे ने विच इंसानियत तो दूर की बात है, इंसानियत रो रही है सही इंसानियत ना ला भी है ना। अज अगर ज़हीर चौधरी ना भी उन्हें इसकी कोई कदर करना होना तो अज उस मनसब में बैठा हुआ जिते इसने को हजार हाल लोग भी मुस्तफीद होनी है, इंसाफ भी उन्हें की मिली है, उन्हें की उन्होंने डॉक्टर उन्होंने सारे मिले। लेकिन ये माशा असन अस जो पीपल्स पार्टी की गौरमेंट आई है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो अस सोचते सर जी कि पीपल्स पार्टी की गौरमेंट आई है तो अस सारे जन इस मसले हल हो सन अस तकिया ना पे कि उत्थे जट और गुजरस्तान नहीं ऐसी हवा चली है कि उत्थे कारकुन पिस गया समझे, और अज तक वो कारकुन मार खाना गया। जवान मुंडे आजाद कश्मीर की सब तो बड़ी तहरीक चली हुई है अंदरला कनाडा, शमीम करीम शहीद हुए सर वो आजाद कश्मीर की तारीख सब तो बड़ी तहरीक है जी 9 महीने चली और 9 महीने कंटिन्यू चली, ये गल नहीं कोई उसी च गैप नहीं आया। और उस तहरीक ने भी तमाम अपोजिशन कठी सी और उसी च बड़े रखों की मार पी पतरान ने वाल साहब की उस तहरीक की भी बहुत मार पी उनकी अफसिस की मारी सी मैं सब बैठे सा बहुत मार पी उनकी। और दौरान वैसे मोहब्बत करा प्यार करा मैं इसा मशहूर हूँ असा इतने बड़े बंदे ने जितनी दौरान गल कर दौरान ना बालक बहुत बड़े हैं वो प्रैक्टिकली कोटली नहीं मैं असा बच्चे सा असा महसूस कर कि हर कोटली ने मसले मसाइल परेशानी दुख तकलीफ की और शेषों की खली
उन्होंने कोठली ने आवाज बदते कोठली ने लोगों की पहचान बदते और उन्होंने बड़ी तहरीकी तौर पर लगा जी तो अगली गल बी ना कि असा किस मंजिल पर पहुंचते ये गल नहीं मैं इस गल पर बिलीव कर रहा हूँ मंजिल यह गल ही होनी कि 200 बंदा उन्होंने सारे वजीर बने सारे बने असल जमीर मुतमईन है असल जिदोजोद आए लोग हाँ असा जिंदगी स्ट्रगल करी तो वक्त गुजारे अज भी अस आखिरी नस्ल हाँ जिसने पिछले कोई स्ट्रगल करने वाली मुमकिन है क्योंकि हूँ लोगों ने अंदरों शोर हो गल ही नहीं रही लोग स्टैंड ही नहीं करी सके मैं समझना कि अस खुशकिस्मत लोग हाँ जो तहरीकी लोग रहे हाँ और असा अवामी कूकनी आवाज बनते और असा आप जिदोजोद की थोड़ी गल है कि मैं बलैत आया तो मिलने से इस वजह तो आए हो ना कि कोई गल है तो मिलने से आए हो ना समझता था कामयाब लोगों को मिलने से आए हो ठीक है तो कोई कुछ ना मिलने से जाना तो यह नहीं गल हो सकने कामयाब लोग मलिक साहब इंशाल्लाह ताला और मुतमईन ना मेरी माफी जी के रेख साहब मैं बार बार ये चीजा बोलना है कि वल्ला बिल्ला तल्ला लिल्ला कोई मुबालगा राई नहीं तुसा असन जड़ी इसलै यंग लॉट ही ना उस असन इंस्पिरेशन हो रोल मॉडल हो जिल्लै तुसा जे किरदार दो चार पांच समाजिक सोसाइटी विच होने ना तो उत्थे फिर वो लोकां ने कूकनियां आवाजां बुलंद होनियां ते साडी दुआ है जी कि अल्लाह तुसा की सेहत भी दे तंदुरुस्ती भी दे और सलामती भी दे ईमानी सलामती भी दे और तुसा जे लोकां ना जेड़ा साया है साडे सिर पर कायम रखे ताकि जिल्लै असा की कोई गाइड करने वाला बंदा वे चूंकि बड़े लोग आलमोस्ट जड़े से वो कोटली शहर विचों खत्म हो चुके तो उन सारे आसा जाइए तो तुसा जे बंदे नहीं असा की जरूरत थी तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन इस पर मैं चाह रहा कि एक चूंकि पहाड़ी प्रोग्राम है तो इतना साड़ा एक आलमोस्ट साहब खिता पठवा रहे लोग कर रहे तो उन्होंने एक उन्होंने नजर कर रखे उदो पुछा कि क्या मामला मसाइल तो बाद गल बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसने पासू मुंह में अपना फिक्का खट्टा करी छोड़िया माड़े दर सुनी सुनी ते दिल जज्बटा करी छोड़िया क्या मैं उसकी सामन आखा जालम सुहाने कोलू तस्सी धरती बदल जड़ा छट्टा छट्टा करी छड़िया ते सिद्धी लिखे लगना ही नहीं लंबी दौड़ जे दौड़ा बदे दंदे नची नची मिट्टी कट्टा करी इंदा ते खसमा ना भी मान खड़ासी ते अपने किलियों जासी जिस कुत्ती की चोरा राती ओला मठा करी इंदा वासे सियासी कितना रही हैं जिन्हें यार बंदा मेरी छोड़ लगा कसम ओ मैदान ने साठ साठ जड़े मेलन नो वो नहीं सीख रहे तो काम करो ना ते बहुत शुक्रिया नाज़रीन तुसा मी तकिया ये प्रोग्राम ते ये असां दा रिकॉर्डिंग ही अपलोड कर सा ते इसने तुसा अपनी राय भी दिया कमेंट्स भी दिया माड़ी ऐसी कि मैं जिले भी इस बंदे को बहना है जाने ना दिल नहीं करना वाला लेकिन बस तुम्हें पता है इतना आखिरी चीज मैं आपका चाहता ना बड़ी कि जही साहब बहुत बड़े आदमी हैं जी बहुत बड़े खान वाले आदमी हैं और बड़ी तहरीक है इन्होंने पूरे जिंदगी नहीं तो अस इन वेलकम करने यूके और गुजारिश कर सकें अगर जनाब को टाइम हो तो असा इन्होंने एजाज ने लुटर बारो कौंसल ने इनकी उतें अस इनवाइट करा अपने दोस्तों ने नाल और इनकी इन्होंने शाया निशान या इनकी रिसेप्शन दिता जाता है तो अगर प्लीज़ अगर उसको टाइम कटो ना बनी तो मैं इसी सिलसिले अपने दोस्तों की नाल मशवरा करी राजा सर साहब नाल बाकी असर खतीजा मलिक साहब मलिक शबीर साहब तार मलिक साहब बाटरिया साहब सारे ने मेरी ना बनी तस्वीर ने कह ना और जो कि डिजर्व भी करने और इंशाल्लाह मैं एक बार फिर ना भी चोई साहब तुमने बहुत मशहूर है कि तुम ना भी है ना आशा कि दीदार करने ना हो जैसा सी बता जा दीता बहुत शुक्रिया बिलखसूस क्यूम साहब ना उन्होंने असा नहीं ना सकने क्योंकि बंदे घट से और हमारे बड़े भाई जनाब अदनान डार साहब ये भी नाल ही अस क्योंकि मुर्शिद ने नाल है इन्होंने नाल ही करो टाइम गुजारने पे बहुत शुक्रिया जनाब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो सीधा फिर नवी वीडियो आने बहुत शुक्रिया।